योगी सरकार में प्रदेश के सभी थानों को एक आदेश जारी किया गया था कि अगर कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे तो फरियादी को पानी पिलाकर उसकी फरियाद सुनी जाए। लेकिन मऊ जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवा सराय चौकी पर तो सारा नजारा ही उल्टा देखने को मिला। यहाँ फरियादी को दरोगा ने गुंडई दिखाते हुए जमकर पीट दिया, जिससे फरियादी का सिर फूट गया। पूरा मामला नदवा सराय चौकी का है, जहां कुचहरा गांव के निवासी विधि चंद्र गोड़ और सतीश चंद्र गोड़ का गांव के ही राज समूह से जमीन के विवाद को लेकर पंचायत चल रही थी, जिसमें चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर दूसरे पक्ष यानी राम समूह के पक्ष में फैसला कराने को आतुर थे। गौरतलब हो कि राम समूह मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत है और उसकी दरोगा राजेश प्रभाकर से अच्छी बनती है। इसी बात का फायदा उठाकर विधि चंद्र व सतीश चंद्र पर उनकी बातें मानने का दबाव बनाने लगे। लेकिन न्याय संगत फैसला न होता देख पंचायत में फरियादियों ने चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर की बात मानने से इनकार कर दिया और पंचायत का वीडियो बनाने लगे। फिर क्या था, बात न मानने पर चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और भरी पंचायत में दरोगा ने विधि चंद्र व सतीश चंद्र को बेरहमी से पीट दिया, जिसमें विधि चंद का सिर फूट गया। हरजन थे वो हम लोग के जमीन के विवाद में, वो हम लोग को थाना में चौकी में लेके गए और पैसा देके हमको मरवाए। कौन मारा आपको? जी दरोगा साहब मारे। क्या नाम दरोगा? सर दरोगा साहब का नाम नहीं मालूम है, दरोगा साहब आ रहे हैं सर। अच्छा, ये कहाँ चौकी इंचार्ज? जी। कब की घटना है सर? सुबह की 10 बजे की। 10 बजे की है। वीडियो रखे हो? नहीं रखे हो सर, वीडियो नहीं बना दिए। वीडियो बनाने के लिए तो हम लोग मारने लगे, दौड़ाने लगे, उसी पे मारने लगे, दौड़ाने लगे सर। वीडियो बनाने के लिए बोले उसी पे अंदर सर, चौकी के अंदर हमको मारे, फिर चौकी के अंदर, फिर बाहर से आके फिर चौकी के अंदर खींच के लेके जा रहे थे, जबरदस्ती हमको गाड़ी को बैठा रहे थे सर, चौकी के अंदर हमको मार रहे थे। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने दरोगा राजेश प्रभाकर की गुंडई के विरोध में तहसील मुख्यालय के पास एनएच हाईवे को जाम कर दिया और आरोपी दरोगा राजेश प्रभाकर पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जाम की सूचना मिलते ही घोसी के सीओ नरेश कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और दरोगा पर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। गौरतलब हो कि बिरहमी से युवक की पिटाई करने वाले दरोगा राजेश प्रभाकर को सिर्फ चौकी से हटाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में उच्च अधिकारी आरोपी दरोगा पर क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पैनी खबर।